হেল্ল' নমস্কাৰ সকলোকে, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছেনে। আপোনালোকে বহুতেই টেক চেনেলবোৰ চাইগৈ, টেকনিকেল যিবোৰ চেনেল থাকে, টেকনিকেল প্ৰযুক্তি হওক আৰু বহুত ধৰণৰ আছে, আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ পচন্দ হিচাপত চাইগৈ। কেতিয়া আপোনালোকৰ মন নাযায় নে বাৰু যে আপোনালোকে নিজে পাৰ্চনেলি কেনেকুৱা মোবাইল ফোন ইউজ কৰে, নহয় জানো? তেন্তে যদি জানিবলৈ মন আছে এই ভিডিঅ'টো চাওক আৰু ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকক। ৱেলকাম বেক টু দা চেনেল। কেনেকুৱা কওকচোন বাৰু আপোনালোকে নিজে বাৰু কি মোবাইল ফোন এতিয়া ইউজ কৰি আছেগৈ? আৰু বহুতে টেকনিকেল চেনেলবোৰ চাইগৈ, কাৰণ মোবাইল ফোন আনবক্সিং হওক বা ৰিভিউ হওক, যাৰ কেতিয়াবা কিবা কিনিবলৈ মন যায় বা বহুত তেনেকুৱা তেনেকুৱা কথা আছেগৈ। এই মাজতে মানে আপোনাৰ টেকনলজি হৈছে এটা মেগা কলাবৰেশ্যন কৰিছিলে, ভিডিঅ' কৰিছিলে, আৰু তাতেই আপোনাৰ বহুত প্ৰিয় যি টেকনিকেল ইউটিউবাৰ আছে তাহাঁতি নিজৰ মনৰ কথা খুলি গ'লে। আপোনালোকে চাওক এই ক্লিপটো আৰু লগতে আপোনালোকে মোক কমেণ্টত জনাবচোন আপোনালোকে নিজে কি ফোন বর্তমানে ইউজ করে আছে। ঠিক আছে, ইন্ডিয়া কা সবসে বড়া টেক কোলাব হো আর মে লেজেন্ডারি ডান্স না করু এসা কতই হো নি সকতা। বাই দ্য ওয়ে মানে ভি আপনে সারে টেক ক্রিয়েটরস কো বোলা থা এসে এক বার এক লেজেন্ডারি ডান্স ভি কর দেনা। ও লোগ বোলে কে তু পাগল হ্যায়, হম লোগ নাহি। ঠিক হ্যায়, ज्यादा निवेश नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं। यस, मेरा जो प्राइमरी फोन है जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, अभी इसको काफी टाइम हो गया है, वो है ओप्पो का फाइंड एक्स टू प्रो। और ये दोस्तों अभी कुछ ही महीनों का मेहमान है, मैं शिफ्ट करूंगा इधर सैमसंग गैलेक्सी जी फोल्ड 3 या फिर सीधे आईफोन 13 सीरीज। अब मैंने वो सोचा हूं तो ये ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। और इस्तेमाल इसलिए करता था क्योंकि इसमें बहुत हाई स्टोरेज थी, 512 GB, कर्व्ड डिस्प्ले और सुपर्ब कैमरा, ये सबसे बड़ी वजह थी इस फोन के इस्तेमाल करने की। देखो भैया, आदमी को ज्यादा महंगा फोन लेना नहीं चाहिए, ये सब चौसलेबाजी होती है, इसलिए मैंने सस्ता सा फोन ले लिया, सैमसंग फोल्ड 2, कुछ 1.5 लाख का है बस। ये विच फोन डू आई यूज टुडे, क्योंकि इतने सारे फोन हम लोग सब रिव्यू करते हैं, चेंजेस एवरी डे, बट दैट्स एक्चुअली नॉट ट्रू। हम लोग सबके पास एक फोन तो है दैट वी यूज ऑल द टाइम, एंड फॉर मी दैट वन इज द सैमसंग गैलेक्सी फोल्ड। व्हाई? बिकॉज वंस यू गो बिग You can't go back. और जहां तक बात है मैं कौन से फोन यूज करता हूँ, तो मैं पिछले 2-3 साल से जो है वो गैलेक्सी सीरीज के फोन यूज करता हूँ सैमसंग की तरफ से, क्योंकि वहां पर जो क्वालिटी है वो काफी बढ़िया देखने को मिलती है One UI जब से आया है तब से, और साथ ही साथ जो है वो आईफोन जो भी लेटेस्ट आता है वो यूज करते रहते हैं, जिस तरह से ये आईफोन 12 प्रो है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कैसे हैं आप सब 2021 में जरूर से बताइएगा कमेंट के द्वारा। मैं यूज करता हूँ सैमसंग का गैलेक्सी A51, लेदर वाले कवर के साथ यूज करता हूँ। स्क्रीन गार्ड टूट गया, खटिया से गिर गया मेरा फोन, फोन तो फोन होता है, कोई बात नहीं। देखो यार, किसी ना किसी फोन की टेस्टिंग चलती रहती है, तो ऐसे में मैं फोन स्विच करता रहता हूँ, बट फिलहाल मैं यूज कर रहा हूँ आईफोन 12। इसका रीजन है इस फोन का कैमरा, मेरे काफी सारे बी-रोल शॉट्स होते हैं जो मैं इसी फोन से कैप्चर कर लेता हूँ, बहुत ही बढ़िया फुटेज मुझे मिल जाती है। मेरा जो डेली ड्राइवर है वो है OnePlus 9 Pro, सभी चीजों के लिए इस्तेमाल मैं इसे करता हूँ, मेरा डेली ड्राइवर है। लेकिन मैं और एक फोन इस्तेमाल करता हूँ, Vivo X60 Pro Plus कैमरा, वेरी इंप्रेसिव कैमरा, तो वीडियो फोटोज निकालने हैं, दैट इज द सेकंड फोन आई यूज, दिस वन इज द प्राइमरी वन। मैं दो स्मार्टफोन यूज करता हूँ, पहला आईफोन 12 प्रो मैक्स क्योंकि वीडियोस बहुत ही तगड़े आती हैं और एप्पल इको सिस्टम में काफी अच्छे से घुल मिल जाता है, और दूसरा सैमसंग का नोट 20 अल्ट्रा, इसमें जितनी भी एप्स हैं हमारी वो सारी टेस्टिंग होती है, और बाकी भी काफी सारी चीजों के साथ जैसे मॉनिटर का कनेक्ट करना है या फिर कुछ कंट्रोलर वंट्रोलर लगाना है, सब सारी चीजें हो जाती है। और ये दो स्मार्टफोन्स हैं जो डेली ड्राइवर्स हैं, और ऑफकोर्स इंटरेस्टिंग स्किन लगा रखी है। थैंक यू फॉर हैविंग मी। कौन सा स्मार्टफोन मैं यूज कर रहा हूँ और क्यों? फिलहाल दोस्तों मैं यूज कर रहा हूँ OnePlus का OnePlus 9 Pro। रीजन इसका हैसलब्लेड कैमरा, लाइक जब से मैंने दोस्तों इस फोन के कैमरे को टेस्ट किया है, यूज किया है, मैं सुपर इंप्रेस हूं। दूसरा रीजन है दोस्तों इस फोन को यूज करने का, वो है ऑफ कोर्स OxygenOS। मैं एक ऐसा यूजर दोस्तों जिसको एक क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस चाहिए, एक क्लीन UI चाहिए, और OxygenOS से बेहतर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कोई UI आई डोंट थिंक सो कोई है, इसलिए मैं फिलहाल OnePlus 9 Pro यूज कर रहा हूँ। मेरे पास में दो फोन हैं जो मैं यूज करता हूँ फिलहाल, Samsung Galaxy Z Fold 2, साथ में iPhone 12 Pro Max। अभी ऐसे में दोनों फोन में मैंने अपना काम डिवाइड किया हुआ है, आधा काम इस फोन से होता है, आधा काम इस फोन से होता है, दोनों के अपने अपने अलग अलग प्रोज एंड कॉन्स हैं, कोई भी फोन परफेक्ट होता नहीं है, तो इसीलिए कुछ चीजें इस फोन में जहाँ पे फोल्डिंग फोन है एक अलग मजा निकल के आता है इस फोन में, साथ में एंड्रॉयड वाला फोन है और ये फिर है iOS वाला एप्पल, तो मतलब इधर इसका कुछ अलग मजा है, मैंने अपने काम डिवाइड कर रखे हैं, तो दोनों फोनों से थोड़ा बहुत कर करके काम मेरा चल जाता है। मॉडिस्ट मानो कनेक्ट पहले काम करने के लिए सुपर सारे काम टाटा
যেখিন দেখার মানে সেপটো হয় কি হেটো বেলেগ টাইপ মঙ্গোলিয়ান সেপ হয় কি এই কারণে বহুত আপনা চাইনিজ বা তেনে নাম লয় রিসেন্টলি আপনি এটা কন্ট্রোভার্সি শুনিছিল পারস অফিসিয়াল বলে হি মাসলর মানুখিনি চাইনা বলি কৈছিল আৰু সা অরুণাচল প্ৰদেশক মানে আপনা ভাৰতৰ মানে এই ভাৰতৰ নহয় বুলি কৈছিল কাৰণ এটো ফার্স্ট টাইম নহয় যে পারস অফিসিয়াল কৈছিল আৰু ইয়াৰ গতে বহুত মানুহে বহুত ৰেছ কৰিছে যে মানে মানুহখিনি বলো মানে মানুহে বহুত অশান্তি কৰে ইয়াৰ মাজতে আপোনাৰ এতিয়া যিটো ডিমাণ্ড আগতে হ'ব লাগিছিল কিন্তু এতিয়া অলপ উঠিছে এন চি আৰ টি যিখিনি আপোনাৰ বুকছ আছেগৈ আপোনাৰ এন চি আৰ টি বুকছ চি বি এছ ই হওক বা তেনেকুৱাবোৰত তাত আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ একো চেপ্টাৰ নাই মানে নৰ্থ ইষ্ট আছে নাই একোৱে খা খবৰ একো নাই সেইটো মানে ভাৰতৰ আপোনাৰ গোটেইখিনি প্ৰান্তৰ কথা থাকে কিন্তু নৰ্থ ইষ্টৰ কথা একো নাই এতিয়া আপোনাৰ টুইটাৰত ট্ৰেণ্ডিং হৈ আছিলে যে বুকছ নৰ্থ ইষ্টৰ কথা ইনক্লুড হ'ব লাগে ডেফিনেটলি আপোনাৰ কিবা সেই বিষয় কাৰণ বেলেগ মানুহখিনি মানে নৰ্থ ইষ্টৰ কথা গম পাব নালাগে বাৰু কাৰণ ৰেচিজিমটো নৰ্থ ইষ্টলৈ কেলে হয়গৈ আৰু বহুত হয়গৈ বহুত এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট আছে কাৰণ বিকজ অফ আপোনাৰ যিটো মুখৰ চেপৰ মংগোলিয়ান চেপ হয় সেই আপুনি কিবা কমেণ্টছ কৰিব কমেণ্টছ কৰি ক'বগৈ আৰু বাৰে বাৰে কৈছোঁ কেতিয়াবা যদি এনেকুৱা ইঞ্চিডেণ্ট হয়গৈ আপোনালোকে ইউ হেভ টু স্পীক আপ আৰু আপোনালোকে ভোকেল হ'বগৈ আৰু মই এটা ভিডিঅ' দিছিলোঁ ৰেচিজিমৰ ওপৰত যিটো লেঞ্জিং উইকলিয়ে আগতে কৈছিলে যে নেশ্যনেল মিডিয়াই কেলে স্পীক আউট নহয় কিন্তু আপোনালোকে নিজৰ কাৰণে নিজে স্পীক আউট হ'বগৈ নিজে থিয় দিবগৈ আৰু ডেফিনেটলি সকলোবোৰ মানুহখিনিয়ে যিখিনি মানে মানুহে ভোকেল আউট হ'ব বিচাৰে তেতিয়া তাহাঁতি আপোনালোকৰ সন্মুখত থিয় হ'বগৈ সেইটো কথা আৰু আপোনালোকে কি ভাবে এন চি আৰ টিত আপোনাৰ ইনক্লুড হ'ব লাগে নালাগে মোৰতো পাৰ্চনেলি সেইখিনি মই ভোকেল হৈছোঁ কাৰণে কথাখিনি কৈছোঁ যে ডেফিনেটলি বেলেগ মানুহখিনিও জানিব লাগে সেয়াই কথা আৰু আজি এইখিনি ইয়াতে শেষ কৰিছোঁগৈ আৰু ধৰক আপোনালোকে এইখিনি মোৰ কণ্টেণ্টটো কি পাইছে মই নাজানো কাৰণ ভিউ বেছি অহাগৈ নাই আৰু হয়তো মানে কিবা কি ৱৰ্ডৰ কাৰণেও কিবা অসুবিধা হওক গম নাপাওঁ আৰু যিয়ে নহওক আকৌ নিশ্চয় লগ কৰা খাই ষ্টে ছেফ এনজয় ইয়ৰ লাইফ আৰু নিশ্চয় সোনকালে লগ পাম টেক কেয়াৰ বাই বাই